Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. औरत से बात करेंगे। अमित है हमारे साथ सोनीपत हरियाणा से। अमित जी गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है। मैम मेरे पास ट्राइडेंट है और 9400 शेयर है मेरे पास, 14.5 की खरीद है और मैं होल्ड कर सकता हूँ दो से तीन साल। ठीक है, तो अच्छे लेवल आपने तो इनफैक्ट ट्राइडेंट 14.5 रुपए पे लिया है, अब तो आपके मल्टीफोल्ड रिटर्न ये डिलीवर कर रहा है, क्वांटिटी भी इनफैक्ट अच्छी कहाँ सी, आपके पास 10-10 स्टॉक्स हैं। आस्था अब ट्राइडेंट जैसा स्टॉक ऑलरेडी इनको अच्छा मुनाफा दे रहा है, फायदा होगा और भी अगर रखें 2-3 साल? बिल्कुल, यहाँ पे फायदा होने के काफी आसार हैं। और देखिए दीपाली, जिस तरह से डेली चार्ट की फॉर्मेशन बनी है, एक यू शेप फॉर्मेशन है जिसका कि ब्रेकआउट आएगा 57 रुपए के ऊपर, तो पहले तो मैं इनको ये सलाह दूंगी कि आप इस लेवल को क्लोजली वॉच करें। अगर कल के सत्र में या आने वाले कुछ दिनों में ये 57 के ऊपर बंद कर देता है तो और बड़ी तेजी इस काउंटर पे आएगी, क्योंकि इस तरह के जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक और ज्यादा तेज होता है। और अभी भी इनको लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्डिंग करना है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है उनके लिए मैं यहाँ पे सुझा रही हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए का और इसमें फिर टारगेट्स रहेंगे 59 से लेके 63 के शॉर्ट टर्म में, लेकिन इनको होल्ड करना है और 57 रुपए का यहाँ पे एक बार जरूर लेवल को क्लोजली वॉच करें। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। शिवम कपूर है हमारे साथ फोन लाइन पर कनाडा से। शिवम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास जी बताइए, आप कनाडा में ही हैं अभी मौजूद? हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, अच्छा बताइए क्या सवाल क्या है आपका। 25 शेयर है 118 प्राइस पे और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। और ठीक है, तो श्रीराम प्रॉपर्टीज 118 की आपके बाएंगे, 78 पर कर रहा है ट्रेड, तो 40 रुपए के आसपास का नुकसान ऑलरेडी आपको हो रहा है। तो आस्था लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए ये स्टॉक इनको, और क्या व्यू है स्टॉक पर, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई और एडिशन करें? देखिए मेरे हिसाब से तो दीपाली, इसमें लंबी अवधि में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। 76 का एक लेवल क्लोजली वॉच कर ले, अगर उसके नीचे ये बंद होता है, क्योंकि बहुत बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रही हूँ, तकरीबन 3 रुपए ऊपर का, लेकिन 76 के नीचे अगर ये बंद कर देता है, क्लोजिंग का ध्यान रखना है, उसके नीचे बंद हो तो बिल्कुल एग्जिट करना है, क्योंकि उसके नीचे बंद हुआ तो भारी गिरावट और स्टॉक में हमें देखने को मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अभी वेट कर ले, लेकिन 76 के नीचे अगर जाए तो यहाँ से फिर एक बार एग्जिट करने की मैं सलाह दूंगी स्टॉक्स। ठीक है, शिवाजी चौधरी हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं। शिवाजी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास भारत रसायन के 5 शेयर थे, 9700 में लिए थे, लेकिन वो 13,000 तक जाते हैं मैक्सिमम और उसके ऊपर नीचे आते हैं, तो क्या करना चाहिए?